डैड यकीन करो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। संभालो इसे। क्या हुआ? क्या किया इसने? क्या किया इसने? मेरी माँ को मरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं और ये लड़का उस लड़की के साथ सड़कों पर रोमांस करता फिर रहा है। माँ ये सब झूठ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पंचम डैड आपको आपकी आंखें धोखा दे रही हैं। मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही हैं बेटा, बल्कि मेरी औलाद मुझे धोखा दे रही है। डैड मेरा यकीन मानिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कितनी बार यकीन करूं तेरा, कितनी बार तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, लेकिन अब मैं तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तू दोबारा कभी मेरा भरोसा तोड़ सके। डैड आप कहां जा रहे हैं? छोड़ दो डैड प्लीज। मैं कहता हूं छोड़ दो प्लीज, आप मत जाइए। अगर आप मीरा के घर जा रहे हैं तो एक बात याद रखिए, दोष मेरा भी नहीं और दोष उसका भी नहीं है। हट जा मेरे रास्ते से। खबरदार जो उनका पीछा किया तो फिर माँ आप उन्हें जाकर समझाइए ना। डैड जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मीरा रोड पर बेहोश होकर गिर रही थी कि इंसानियत के नाते मैंने उसकी मदद की। इसमें मैंने कुछ गलत किया? हाँ। क्या? मीरा से तो इंसानियत के नाते भी तुझे दूर ही रहना होगा। माँ तू समझता क्यों नहीं है पंचम? सब तेरी तरह भोले और मासूम नहीं होते और ना ही तेरी तरह बड़े दिल वाले होते। ना जाने वो माँ और बेटी कब कैसे तेरे भोलेपन का फायदा उठा ले। जो भी इंसान ऐसे कर्म करेगा ना उसे उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन इस डर से हम अपनी इंसानियत छोड़ दे, ये कहाँ की समझदारी है? इस दुनिया की, इस दुनिया में जीने के लिए ऐसी समझदारी जरूरी है। खुद किसी को तकलीफ ना दो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी से खुद को तकलीफ हो तो उससे दूर रहना और भी अच्छी बात है। अगर मैंने इंसानियत ही छोड़ दी तो मैं कैसे किसी के आंसू पोंछ पाऊंगा, कैसे किसी को खुशियां दूंगा और कैसे अपनी शक्तियां वापस पाऊंगा? मेरा तो जीवन ही असफल हो जाएगा दादी माँ, असफल हो जाएगा। नहीं लीना, मैं किटी पार्टी में नहीं आऊंगी, मेरा मूड नहीं है। शट अप लीना, ये जानने के बजाय कि मैं जेल क्यों गई थी, तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा पति और तुम्हारी जवान बेटी रात रात को कहाँ घूमते रहते हैं, समझी तुम? इस सवाल का जवाब देते देते थक चुकी हूँ मैं। ये मीडिया वाले भी ऐसी खबरें छापने में उन्हें मजा आता है। इस पंचम ने मुझे इतना परेशान किया है, जब तक मैं इसका बदला ना ले लूं, जब तक मैं उसे तड़पाऊंगी नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। आंटी, आंटी मीरा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, उसे चक्कर आ गए इसलिए बेहोश हो गई। हमने डॉक्टर को दिखा दिया है, नाउ शी इज फाइन। मीरा जस्ट टेक केयर। मीरा थैंक यू वेरी मच। यही फर्क होता है भगवान के लिए भूखे रहने में और शैतान के लिए भूखे रहने में। शैतान के नाम पर 4 ही घंटों में हालत खराब हो जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? जिसके दिल में आग लगी होती है ना मिसेस अवस्थी, उन्हें किसी का घर या किसी की जमीन याद नहीं रहती। उन्हें अपनी आंखों के सामने सिर्फ अपना दुश्मन नजर आता है, दुश्मन। इसलिए आज मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न करने के लिए आया। अगर आज के बाद तुम्हारी बेटी मेरे बेटे पंचम के आसपास भी कहीं नजर आई तो उसके बाद तुम्हारा हश्र क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। मीरा अब तक पंचम से मिलती है? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, अब तुम्हारी कोई भी चाल तुम्हें सजा से नहीं बचा सकती मिसेस अवस्थी। और तुम्हारी बेटी की मोहब्बत का सहारा भी अब तुम्हें मुझसे माफी नहीं दिला सकता। आप आपसे माफी मांगने से पहले मैं खुद को खत्म कर देना बेहतर समझूंगी, समझे आप? तो फिर उसकी तैयारी शुरू कर लीजिए मिसेस अवस्थी, और आज के बाद ऐसी घटिया चालें और छिछोरी हरकतें करना बंद कर दीजिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मीरा, मीरा बेटा, मीरा कहाँ है? अपने कमरे में। मिस्टर अवस्थी, अपनी बेटी की करतूत जाना चाहेंगे आप? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी इज्जत को धब्बा लगे। तो एक बात उससे जरूर पूछिएगा कि कल मिस्टर अशोक रमन हमारे घर क्यों आया था और उसने उसकी मां को इतनी जलीकटी क्यों सुनाई? अशोक रमन कल फिर आया था? किस लिए आया था? उस पे बहुत विश्वास है ना आपको, तो जाके उसी से पूछ लीजिए। अब एक बात मेरी समझ में आई कि लोग बेटियों को मुसीबत क्यों कहते हैं। तुम कुछ साफ साफ बताओगी? साफ साफ बात यह है कि अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो जल्द से जल्द मीरा को किसी के गले बांध दीजिए और उसे इस घर से विदा कर दीजिए, वरना किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे आप। रुक पड़ी, अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मीरा को पंचम के साथ रोमांस करते हुए शर्म नहीं आती? पापा, ऐसी बात नहीं है। मम्मी बात को तोड़ मरोड़ कर कह रही है और ऐसी कुछ गलतफहमी अशोक अंकल को हुई है मुझे और पंचम को एक साथ देखकर, और इसलिए वो बेकाबू हो गए। पापा, प्रॉब्लम ये है कि हमारी बात को समझने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। ना ही मैं पंचम से कोई इश्क लगा रही थी और ना पंचम मुझसे। पापा, वो ऐसा हुआ कि मैं जा रही थी, मैंने देखा पंचम की बाइक बंद पड़ी है तो सोचा कि दादी माँ के डेथ के बारे में उसे दो शब्द कहूं, क्योंकि उनकी डेथ की वजह मैं हूं ना। पर दादी, पता नहीं बातें करते करते कब मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ी। यही मेरा गुनाह था और इंसानियत के नाते पंचम ने मुझे उठाकर मेरी मदद करनी चाहिए, ये उसका गुनाह था। बेटा, अगर ये बात थी तो तुमने अशोक और मम्मी को बताया क्यों नहीं? ये मेरी बात मानने को तैयार कहाँ है? क्या तुमने अपने आप को यकीन के लायक छोड़ा है मीरा? जब से तुम्हें पंचम मिला है तुम ना मेरी कोई बात सुनती हो ना समझती हो। अपनी अपनी सोच है मम्मा। मैंने कभी जानबूझकर आपकी इंसल्ट करने की कोशिश नहीं की है। आप जिस तरह मेरे साथ पेश आई मैंने आपके साथ वैसे ही रिएक्ट किया है, और पापा जिस तरह मेरे साथ पेश आए मैंने उनके साथ वैसे रिएक्ट किया है। मॉम, डैड, विक्की का ला रहा है। गुड। तुमने एक और वादा किया था मीरा कि जो भी रिश्ता आएगा उसमें तुम कोई नाटक नहीं करोगी, याद है ना तुम्हें? Hey guys, I've got a very good news for you all. I'm sure पहली बार किसी लड़की को चिराग बहुत क्यूट लगा होगा। As usual. अरे इससे अच्छी और बड़ी गुड न्यूज क्या हो सकती है? और अरे भाई, गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि नेशनल लेवल पर इंटर कॉलेज दोहा कंपटीशन में हमारे कॉलेज की तरफ से मीरा और पंचम का नाम गया है। अरे वेरी गुड, जीत कनाडा। और इससे भी अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि तुम दोनों को कल ही दिल्ली पहुंचना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बच्चा, तू कहाँ जा रहा है यार? मैं कॉम्पिटिशन से नाम वापस लेने जा रहा हूँ। किस लिए? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? राहुल, मीरा और मैं साथ नहीं जा सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। पंचम, तुम्हें नाम वापस लेने की कोई जरूरत नहीं, मीरा ने खुद का नाम वापस ले लिया है। मीरा ने नाम वापस ले लिया? हाँ। चलो, ये तो अच्छा हुआ, इसमें हम दोनों की भलाई है और हमारे परिवार की भी। हेलो। जी आंटी, हम तीनों शाम को पहुंच जाएंगे। बाय। किसका फोन था? मीरा की मम्मी का फोन था। उन्होंने हम तीनों को शाम को घर पर बुलाया। क्यों? हो सकता है कि मीरा की तबीयत ठीक ना हो और उसे कंपनी देने के लिए बुलाया हो। ऐसा तो नहीं है, मीरा तो अभी तो अपना नाम वापस लेके चली गई। अरे अच्छा ठीक है ना, शाम को चले जाएंगे, देख लेंगे व्हाट्स रॉन्ग होता है। मेरे को पॉसिबल नहीं है, मेरे को किसी ज़रूरी काम से जाना है, तुम लोग जाओ। ओके ओके, कैंटीन में जाते हैं। रवि, विक्की की आंटी को एड्रेस ठीक से समझा दिया था ना? यस मॉम, यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। गुड। हेलो आंटी। हाय आंटी। हेलो रिया। आंटी, हमें आने में देर तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, यार एग्जैक्टली ऑन टाइम। अच्छा आंटी, ये तो बताइए कि आपने हमें बुलाया क्यों? वो एक्चुअली मीरा को देखने एक एनआरआई लड़का आ रहा है। एनआरआई लड़का? ठीक। हाँ, उसका नाम विक्की है। मैंने सोचा ऐसे मौकों पे लड़कियां थोड़ी नर्वस हो जाती हैं, तो उस वक्त अगर उसके दोस्त उसके साथ रहेंगे तो उसका हौसला बना रहेगा। इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया। मैंने ठीक किया ना बेटा? हाँ आंटी, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन मीरा कहाँ है? अपने कमरे में, जा जाके मिल लो। मॉम, इन लोगों को आपने यहाँ पे बुलाया था? हाँ। मगर क्यों? अगर इन लोगों को फिर से देख के मीरा ने कोई ड्रामा कर दिया तो? नहीं करेगी। उसने अपने पापा से वादा किया है। और दूसरी बात, जब ये लोग यहाँ का आंखों देखा हाल जाके पंचम को बताएंगे तो पंचम को कितनी तकलीफ होगी और इस बात से मुझे कितनी खुशी होगी, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बेटा, कौन से कपड़े पहनने हैं डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। पापा, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं पहन लूं। She is absolutely right, अंकल। वैसे भी इन सब कामों में फ्रेंड्स मदद करते हैं, पापा नहीं। तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगा तुम चुपचाप शादी कर लोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे जासूस हमेशा तुम्हारे पीछे होते हैं। राइट। रिया। जी अंकल। बेटा, आज इसको ऐसा तैयार करना कि इसकी तस्वीर लड़के की नजर में बस जाए। जी अंकल, बिल्कुल ऐसा ही होगा। गुड। तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हारी मम्मा ने बुलाया। ओह। मीरा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? तो फिर क्या करूं? इनकार कर दो। किसके लिए? उसी के लिए जिससे तुम प्यार करती हो। मीरा देखो, अभी भी तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो, जस्ट टेल अस, वी आर रेडी। थैंक यू रिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं मेरे माँ बाप के लिए बोझ बन चुकी हूँ और मेरे पंचम के लिए मुसीबत। डैड, मॉम, विक्की और उसके आंटी आ गए हैं। आ गए? हाँ जी, जाओ। आई आंटी। ये विक्की की आंटी हैं। प्लीज विक्की, ये मेरे डैड हैं और ये मेरी मॉम। प्लीज कम। आई आई बैठिए, बैठो बैठो। लो, मीरा भी आ गई। बेटा, यहाँ बैठो। रिया, देखो चाय तैयार है। हाँ आंटी, तैयार है, मैं सभी लाती हूँ। विक्की बेटा, मीरा से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अगर अकेले में बात करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। नो, आई नेवर लाइक अननेसेसरी सीक्रेट बिजनेस अंकल। मीरा बेटा, बेटा सबको चाय दे दो। कैसा लगा लड़का? एनआरआई है, कनाडा से आया है। शादी के बाद मीरा को भी कनाडा ले जाएगा। क्या किस्मत पाई है ना मीरा ने। ग्रेट, चाय बहुत अच्छी बनी है। आंटी अगर आपको मीरा से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। I don't mind for that। अरे शादी मुझे करनी है या तुमको करनी है? नहीं, अगर आपका मूड हो तो आप कर लीजिए। I don't mind for that also, you know। चुप, पागल कहीं का। क्या अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। एटलीस्ट लोगों को हंसाता है, प्रवचन नहीं देता। बेटा, तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मीरा मुझे पसंद है अंकल। लेकिन शादी तभी होगी जब मैं मीरा को पसंद होगा। इसका मतलब ये लोग तुम्हें मेरे गले में बांध देंगे और तुम काम चला लोगी? नो, इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तानी लड़कियाँ हाँ इसी तरह से कहती हैं। ओह दैट वे, देन इट्स ओके। इस रिश्ते को भगवान बुरी नजर से बचाए। अच्छा मीरा, हम लोग चलते हैं। बाय आंटी। ओके बाय। मीरा के कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जल्दी कहीं पहुंचना था इसीलिए चले गए। एक्सक्यूज मी। अरे मीरा, 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 मीरा। अरे इसे क्या हुआ? अंदर ले जाओ। मीरा चलो। कल रात ठीक से सोई नहीं है, शायद इसीलिए। संभाल के बैठो यहाँ पे। अब कैसा लग रहा है? मैं डॉक्टर को फोन करूँ। नहीं माँ, आई एम ओके। तुमने आज भी कुछ नहीं खाया क्या? नहीं खाया था। तो फिर ये चक्कर क्यों आ रहा है तुम्हें? इससे पहले भी 2-3 बार आ चुका है। आई थिंक इट मस्ट बी वीकनेस। मीरा, कहीं ये पंचम के बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली? हे भगवान।